नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मौसम कितना सुहाना है। हल्की हल्की बारिश, सुबह का मौसम और अच्छा मौसम हो रहा है, पकोड़ों का मौसम हो रहा है। तो आज हम पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पकोड़े, तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये सोयाबीन है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। और यहाँ पर आधी एक कटोरी मैंने लिए चने, ये देसी चने हैं नॉर्मल वाले। तो यहाँ पर एक कटोरी चने और आधी कटोरी सोयाबीन लेकर मैंने इसको भिगो दिया है और अच्छे से साफ पानी से इसे सोख कर लिया है। और इसको हम आप ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं कितना ये दानेदार जो हमारा ये मिश्रण है तैयार हुआ है। ये देखिए, इसमें हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। और बाकी जो हम मसाले करेंगे वो आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच जीरा, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, नमक एक चम्मच, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, हींग 1 से 2 पिंच, अरारोट पाउडर हमने लिया है इसको बाइंडिंग करने के, यानी कि ये मिश्रण जो होता है हमारा दरदरा होता है तो इसको हम एकदम से इसका स्मूथ घोल करना है तो उसके लिए हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अरारोट पाउडर ना लें तो आप बेसन भी ले सकते हैं। तो काली मिर्च 8 से 10 पीस हैं ये। प्याज यहाँ पर 2 प्याज मैंने मीडियम साइज के और मीडियम ही काटे हुए हैं, चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 लाल मिर्ची, अदरक और लहसुन को पीस के पेस्ट बना लिया है। आप ये सूखा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे पिसा हुआ लिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डाल देंगे हमारा अरारोट पाउडर जो मैंने 1 चम्मच लिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से इसका मिक्स हो गया है। और अब हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन और जीरा लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची साबुत काली मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हल्दी, अमचूर पाउडर, नमक और हींग। आप यहाँ पर धनिया पत्ती भी काट कर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। और हरी मिर्च और धनिया अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, मेरे पास थे नहीं तो मैंने नहीं डाले। और अब इसमें डाल देंगे हम प्याज और इसको हम अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे इस सारे मिश्रण को। और ये हमारा पिसा हुआ मसाला था, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारी चीज़ मिला ली हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, जो हम ये मिश्रण जो हम पीसेंगे ना, तो उस मिश्रण को हमने एकदम से टाइट पीसना है, ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना। तो यहाँ मैंने मिश्रण तैयार करने के बाद, मैं लास्ट में आपको बताना भूल गई थी, थोड़ा मैं इसमें बेसन भी डालूँगी 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ बेसन में अगर आपको लगे कि बेसन की ज़रूरत है तो डालिए, ना तो ना डालिए। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है बेसन का फ्लेवर, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी आ गई है और बहुत अच्छे से बंध रहे हैं ये। तो हमें इसी तरह के ये घोल चाहिए। अगर हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे तो ये खुला खुला रह जाएगा, तो हमें इसके कटलेट ही बनाने पड़ेंगे, हमारे ये तेल में फ्राई होने वाले पकौड़े नहीं बनेंगे। तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो हमें इसी तरह का हल्का मीडियम तेल ही चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तो मैं एक पकौड़ा डाल के देख लेती हूँ। तो आप यहाँ पकोड़े के साइज छोटे बड़े जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें गैस की, तो यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है। यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े बन चुके हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी पकोड़े लग रहे हैं। तो हम ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाला पकौड़े भी सारे निकाल लिए और हम कर देंगे गैस को बंद और करते हैं प्लेटिंग। तो हमने यहाँ पर प्लेटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे ये बने हुए हेल्दी पकौड़े, टेस्टी पकौड़े, बहुत ही ज़्यादा ये बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खाने में भी लाजवाब हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए हम मैंने कितने अच्छे यहाँ पर पकौड़े बनाए हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े हमारे यहाँ बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैंने खट्टी मीठी चटनी के साथ इसको सर्व किया है।
तो आप भी इसी तरह से बनाइए और बरसात का मौसम का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।